हेलो एवरीवन, दिस इज़ अवर फिफ्थ लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो उससे पहले मैं कुछ नई थ्योरी लिखवा देता हूँ। जैसे कि इस वाले लेक्चर में हमें कुछ एंगल्स की वैल्यू याद करनी पड़ेगी, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। तो अब ये देख लेते हैं इनकी वैल्यू जनरेट कैसे हुई, है ना। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है जैसे कि साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 45 की वैल्यू क्या है, साइन 60 की वैल्यू क्या है। अच्छा, उससे पहले एक बात बता देता हूँ मैं कि जैसे कि ये आर्ग्यूमेंट है आपका, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इसमें आर्ग्यूमेंट बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे जो साइन है वो कितनी भी बड़ी वैल्यू ले सकता है, यानी यानी यहाँ पे जो थीटा लिखा हुआ है, थीटा बिलोंग्स टू आर, आर मतलब रियल नंबर्स, लिख लेते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ साइन 1000 भी आप लिख सकते हो, ठीक। अब कोई बच्चा पूछेगा सर ट्राइंगल में 1000 डिग्री कहाँ से आ गया, ठीक है, तो वो आपके सिलेबस से बाहर की चीज़ें हैं, बाद में पढ़ोगे आप। बस मैंने आपको बता दिया कि थीटा की वैल्यू कितनी भी बढ़िया आप ले सकते हो, ऐसे नहीं कि 90 डिग्री पर स्टॉप लग गया तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक याद रखो बस, हाँ कुछ भी ले सकते हो, इतना याद रखना है अभी फिलहाल, ज़्यादा सोचना नहीं है इस बारे में। तो जनरेट कैसे हुई वो उस पर डिस्कस कर लेते हैं, हम देख लेते हैं उसी को ही। तो नोट करके कर लो आप, नोट मतलब जब मैं नोट लिखवा रहा हूँ मतलब थ्योरी नोट है। तो मैंने क्या किया, एक नोट ट्राइंगल ले लिया, ये एक नोट ट्राइंगल है, ठीक है, लग नहीं रहा होगा आपको, पता है सारे एंगल कितने होते हैं, 60 60, ये 90 है, ये मीडियन है इसकी, ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। अगर ये साइड ए है तो ये साइड भी ए होगी, तो ये साइड कितनी होगी, ए बाई टू, ये साइड भी कितनी होगी, ए बाई टू, ठीक है। सपोज किया साइन 30 वाइड निकालनी है, तो मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल में लगा लिया, इस वाइड ट्राइंगल में साइन 30 लगाया, इस बार लिख देता हूँ मैं ए बी सी एम, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी एम या ए एम बी, एक ही बात है, साइन 30 लगाया, साइन 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस फिगर के हिसाब से, इस फिगर के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ये वाली साइड है क्या, यानी कि बी एम, राइट, और हाइपोटेन्यूज आपका ए फिक्स है, क्लियर। तो कितना आएगा, बी एम अपॉन ए बी, तो बी एम की वैल्यू कितनी है, ए बाय टू, एम ए बी की वैल्यू कितनी है, ए, तो ए से ए कट गया, हाफ हो गया। साइन 30 की वैल्यू कितनी है, हाफ, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी लिख सकते हैं, कोस 60 निकालनी है आपको, कोस 60 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो उसी ट्राइंगल ए बी एम में कोस 60 लगा दिया मैंने, तो बेस कितना है, ए बाई टू, हाइपोटेन्यूज कितना है, ए, तो उसकी वैल्यू भी कितनी आई, ए बाई टू। अगर कोई बच्चा बोला टेन लगा दो, तो ए एम चाहिएगा मुझे, है ना, ए एम नहीं बताना, तो ए एम निकाल लेंगे। तो ए एम कितना आएगा, ए एम स्क्वायर इजक्ल टू ए बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से बी एम स्क्वायर ये तो होगा ना, तो ए बी की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर, बी एम की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर बाय 4, तो कितना आया, 3a² / 4, तो m की वैल्यू कितनी है, a √3/2, m की वैल्यू आ गई है, कितनी वैल्यू। तो इसको याद रखो, कभी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो एल्टीट्यूड की लेंथ होती है वो कितनी है, √3/2 × साइड, ये होती है √3/2 × साइड, इसको याद रखा, ठीक है, कहीं जगह यूज होगा। अब जैसे कोई बच्चे ने पूछा था कि टेन कैसे लगाएंगे, तो टेन देख लेते हैं भाई कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो उसी ट्राइंगल में मैंने टेन 60 लिया, डेंसिटी कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना, ए एम, ठीक है, और बेस कितना है, बी एम, ऊपर दिखा देता हूँ एक बार आपको, देख लो। तो ए एम की वैल्यू कितनी है भाई, अभी निकाली हमने, ए √3/2, बी एम की वैल्यू कितनी है, ए बाय टू, तो a/2 कैंसिल हो जाएगा, ये से ए गया, 2 से 2 गया, तो कितना बचा, √3।
तो टेन सिक्सटी की वैल्यू कितनी आ गई, रूट थ्री। ठीक है, टेन सिक्सटी की वैल्यू कितनी आ गई, रूट थ्री। तो ये इस तरह से हमने कुछ वैल्यूज निकाली, आप किसी भी वैल्यू के लिए निकाल सकते हो। हमें तीनों साइड बताए ट्राइंगल की, थर्टी निकाल लो। अब जैसे कोई बच्चा से फोर्टी फाइव भी कैसे निकालेंगे, तो फोर्टी फाइव वाला ट्राइंगल बनाएंगे, राइट। जैसे फोर्टी फाइव डिग्री एंगल आ रहा हो, तो मैंने क्या किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। और इसमें ये दोनों साइड इक्वल ले ली, और ये 90 डिग्री है। अगर ये दोनों साइड इक्वल है, दोनों एंगल इक्वल होंगे, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है ये, तो एंगल कितने होंगे, 45 डिग्री। इसको मैंने ए बोला, इसको बी, इसको सी। तो मान लो किसी को साइन निकालना है, साइन 45 डिग्री, इसको ए मान लिया साइड को, इसको ए मान लिया, तो ये कितना आएगा, ए रूट टू। ठीक है, निकाल सकते हो। देखो, ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर, तो कितना हो गया, टू ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर। ए सी कितना आएगा, ए रूट टू। तो ये भी याद रखा कि कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल है और दोनों साइड इक्वल है, तो हाइपोटेन्यूज हमेशा ए रूट टू आएगा। क्लियर? तो साइन फोटेव लगाना है। साइन फोटेव कितना होता है, मतलब इस एंगल की लगा स्ट्रेट में लगा रहा हूँ मैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, ए, हाइपोटेन्यूज कितना है, ए बाय रूट टू। तो वैल्यू कितनी आएगी, वन बाय रूट टू। मतलब टेन फोर्टी फाइव लगाना है, टेन फोर्टी फाइव परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर भी ए है, बेस भी ए है, टेन फोर्टी फाइव वैल्यू कितनी है, वन। तो इस तरह से हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने थर्टी आपको दिखा दिया, सिक्सटी मैंने आपको दिखा दिया, राइट, फोर्टी फाइव मैंने आपको दिखा दिया। क्लियर? आई थिंक कोई डाउट भी ना होगा आपको। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं अब थ्योरी पे। ये अब से पहले ना, थ्योरी से पहले एक आप एक काम करो, ये टेबल सी बना लो कि एक काम, मैं ब्लैक से बना देता हूँ इसको। चलो यहाँ लिख लो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो मैंने मैंने साइन लिखा, फिर कोस थीटा लिख लेते हैं, टेन कोट सेक कोसेक। ठीक है, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। और इस वाले इसमें हम थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं, राइट। मान लीजिए लिखा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, 0 डिग्री भी लिख लेते हैं। तो जीरो एक काम करो, पहले जीरो लिख लो ताकि एक ट्रिक सी बन जाएगी यहाँ पे, है ना। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा लिखना है, कुछ भी लिखो आप, याद करने की ट्रिक वैसे मैं आपको उससे लिखवा रहा हूँ। तो आप जीरो लिख लो पहले, जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। जैसे मैंने अभी बोला, इससे ज़्यादा एंगल भी पॉसिबल है, लेकिन अभी 10th क्लास के लिए हम इतने ही बाउंड रहेंगे। तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, याद रखकर। साइन 30 की वैल्यू हाफ, ये याद रखें। साइन 45 की वैल्यू वन बाई रूट टू। साइन 60 की वैल्यू रूट थ्री बाई टू। साइन 90 की वैल्यू वन। अब देखो, इस वन को इधर लिख दो, यहाँ पे इस जीरो को इधर लिख दो नीटे। देखो मैं उल्टा इसी चीज़ को जो मैंने लिखा जीरो हाफ वन बाई रूट टू रूट थ्री बाई टू वन, इसी को पलट के लिख दो यहाँ पे। देखो पहले नंबर पर आएगा वन, इधर से लिख दो, मतलब इस साइड से लिख दो, वन रूट थ्री बाई टू, वन बाई रूट टू हाफ और जीरो लिख दिया। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो टेन के लिए, जीरो अपॉन वन जीरो, वन बाई टू अपॉन रूट थ्री बाई टू, तो वन बाई रूट थ्री, वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू दोनों सेम है तो वन, रूट थ्री बाई टू, वन बाई टू, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा रूट थ्री। वन अपॉन जीरो नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, ये क्या इन्फिनिटी नहीं, वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी नहीं होता, वन अपॉन जीरो नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, इन्फिनिटी कुछ नहीं होता, याद रखना। इसका बताऊंगा थ्योरी में, बताऊंगा जब थ्योरी डिस्कस करेंगे, एक्चुअली ये तो क्रैश कोर्स है। ठीक है, तो टेन थीटा, अभी कोट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल, अगर ये जीरो है तो ये कितना आएगा, वन अपॉन जीरो नॉट डिफाइन। या फिर ऐसे करो,
कि इसको यहाँ से प्लट के लिख दिया, नॉट डिफाइन यहाँ पे आया, फिर रूट थ्री आएगा यहाँ पे, फिर वन का वन आया और यहाँ पे आया वन बाय रूट थ्री, और यहाँ पे कितना आया जीरो। अब sec थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का, तो वन का रेसिप्रोकल वन, इसका रेसिप्रोकल कितना आएगा टू बाय रूट थ्री, वन बाय रूट टू का रेसिप्रोकल रूट टू, वन बाय टू का टू, जीरो का वन अपॉन जीरो, यानी कि नॉट डिफाइन। ठीक है, cosec किसका साइन का, तो नॉट डिफाइन वन अपॉन जीरो, ये टू, लेकिन ये फिर भी अभी भी जैसे लिख रहा है, इसको प्लट के लिख रहा है, या साइन से देख लो एक ही बात है, कैसे भी देख लो आपकी मर्जी है, रूट थ्री बाय टू और ये वन। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, राइट। ये आपके, तो ये आपके एकदम है ना याद होनी चाहिए, जैसे मैंने आपसे कभी भी क्वेश्चन में आया कि मैं आपसे पूछ सकता, हम तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन थर्टी की वैल्यू हाफ, तुरंत आपको बताना चाहिए, मैं समझा को सिक्सटी हाफ, टेन फोर्टी फाइव वन, टेन थर्टी वन बाई रूट थ्री, ठीक है, सेक सिक्सटी टू, इस तरह से आपको याद होना चाहिए। ऐसे जरूरी चीज़ क्या है कि आप ये तीन याद कर लो ना, तो ये तीन तो अपना ही पता चल जाएगी, क्योंकि आपको पता है ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर आपको साइन पता है तो आपको कोसेक पता है, आपको कोस पता है तो आपको सेक पता है, आपको टेन पता है तो आपको कोट पता है। तो मैं तो ये तीन याद करता हूँ, और बस तो मुझे तो वैसे रटी पड़ी है, मुझे तो ज़रूरत नहीं है, आप लोग देखो याद करनी पड़ी जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से करते हो, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारी ट्रिक होती हैं, वो हाथों से करके बताते हैं कि हाथों से इतने नीचे उंगलियां हैं तो इतना कर दो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग उस वीडियो को देख लो, और मेरी वीडियो को तो लाइक कर ही देना क्योंकि मैंने आपको दिया है, ठीक है, और उस वीडियो को भी लाइक कर देना क्योंकि वो अच्छी ट्रिक है। चलो ये चीज़ भाई आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब जितने भी क्वेश्चन अभी आएंगे वो इस टेबल से रिलेटेड है, अगर आप टेबल की वैल्यू आप लोगों को याद है, ये टेबल आपको याद है, अगर किसी बच्चे को याद नहीं होती वो ट्रिक बना के लिख सकता है लेकिन, ठीक है, तो वो क्या करे, पेपर में जा सब चला जाएगा उसको लिख ले, ठीक है, पेपर में जाके उसको लिख लो और जब भी वैल्यू की जरूरत पड़े उसको देख लो। लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि आप बार बार पेज पलटो देखने के लिए, है ना, वो डिस्टर्ब भी करोगे आप दूसरे को और खुद भी अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि याद कर लो इसको। तो क्वेश्चन देखें फिर भाई, क्वेश्चन विदाउट टाइम वेस्टिंग हम क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पहला साइन 60 कोस 30 प्लस कोस 60 साइन 30 डिग्री। तो जिसको वैल्यू पता है वो कर देगा, जिसको ले नहीं पता, नहीं पता साइन 60 कितना होता है रूट थ्री बाई टू, कोस 30 कितना होता है रूट थ्री बाई टू ही होता है, कोस 60 कितना होता है हाफ, साइन 30 भी कितना होता है हाफ, तो रूट थ्री बाई टू इंटू रूट थ्री बाई टू थ्री बाई फोर, और ये कितना है वन बाई फोर। तो नीचे एलसीएम सेम है फोर फोर, तो थ्री प्लस वन बाय फोर ये आ जाएगा, तो फोर अपॉन फोर कितना आएगा वन। यहाँ पे एलसीएम सेम है इसलिए मैंने ऊपर ऐड कर दिया डायरेक्ट, अगर ये डिनोमीटर में सेम नहीं होता, नंबर फोर फोर नहीं होता, तो मैं एलसीएम लेता। तो सिंपल सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर टू देखो, कोस 60 कोस 30 माइनस साइन 60 साइन 30 डिग्री। कोस 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए, कोस 60 हाफ, कोस 30 रूट थ्री बाई टू, साइन 60 रूट थ्री बाई टू, साइन 30 हाफ। अब देखो मल्टीप्लाई करने में बैठना, ये देखो ये दोनों क्वांटिटी सेम है क्या, देखो हाफ रूट थ्री बाई टू, हाफ रूट थ्री बाई टू, तो आंसर कितना आएगा देखो। ऐसा मत करना रूट थ्री बाई फोर लिख रहे हो फिर रूट थ्री बाई फोर लिख रहे हो तब काट रहे हो, अरे अभी भी सेम है ये ए इंटू बी, ए इंटू बी लिखा है जीरो, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है कि कैलकुलेशन कर रहे हो उसके बाद काट रहे हो, अभी काट दो ना, अभी भी सेम ही है। क्वेश्चन नंबर थ्री देखो, कोसेक 30 डिग्री कोट 45 डिग्री। देखो ये कैसे याद करना है, कोसेक तो बोल गए, कोसेक किसका रेसिप्रोकल है साइन का, साइन 30 की वैल्यू हाफ, उसका रेसिप्रोकल टू, कोट 45 की वैल्यू वन, टेन 45 की वन, कोट 45 की वन, तो आंसर कितना है थ्री, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन है आपके, आप दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, सब वैल्यू बेस है, आपको वैल्यू पता है तो आप कर लोगे, आपको वैल्यू नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे, सिंपल्स। और एक क्वेश्चन पक्का आएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ,
इससे एक क्वेश्चन हर साल आता है, वो एंगल आपको याद करवाएगा, 1 cos 60 sin 30 = √3/2, आपको प्रूव करना है, प्रूव डेट। तो मैंने एनालिसिस नोट डाउन कर लिया उसका, cos 30 degree sin 60 degree, 1 cos 60 degree sin 30 degree। cos 30 के लिए कितनी होती है, √3/2, sin 60 की भी √3/2, 1 + ½ sin 30 भी ½। तो √3/2 + √3/2 तो 2 × √3/2 हो जाएगा, राइट भाई। a प्लस ए कितना होता है, 2a, तो ये सेम क्वांटिटी है, a प्लस ए 2a, तो वही तो लिखा है 2 × a। हाफ प्लस हाफ कितना होता है, 1, और 1 + 1 2, तो ये 2 आ गया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना बचेगा, √3/2। ये तो प्रूफ करना था, ठीक है। तो देखो आपको बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, अगर आपको वैल्यूज पता है तो हो पा रहे हैं, ये वैल्यूज नहीं पता तो नहीं हो पा रहे, ठीक है। एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 sin²30° cos²45° −4 tan²30° to sin 30 cos 30 degree tan 45 degree, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, है ना, क्वेश्चन ये है कि इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड लिख देता हूँ मैं, फाइंड द वैल्यू। तो वैल्यू पता होनी चाहिए, अभी कह रहा हूँ, sin 30 पे स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, sin 30 पे स्क्वायर लगा हुआ है, sin 30 की वैल्यू कितनी, हाफ का स्क्वायर 1/4, कोस पे भी स्क्वायर लगा, कोस फोर्टी फाइव के लिए 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो यहाँ सॉरी माइनस है, माइनस कर लो इसको, −4, टेन थर्टी की वैल्यू 1/√3, उसका स्क्वायर 1/3, 2, sin 30 की वैल्यू हाफ, cos 30 की वैल्यू √3/2, tan 45 की वैल्यू 1। चलो ये कितना है भाई, 5/4 +½ −4/3, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3/2 + 1, तो मैंने ऊपर ले लिया एलसीएम, 4 5 प्लस यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे लिखा मैंने 4 −4/3, ठीक है। फिर मैंने इधर यहीं पे एलसीएम लिया है 4, यहाँ पे 3 लिखा है, एलसीएम नहीं देखता, इन दोनों का एलसीएम लिया 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये कितना आएगा, √3 + 1 √3 + 1/2, ठीक है। और करो सिंप्लीफाई, अभी और कर सकते हैं ना, ऊपर एलसीएम कितना है 12, तो ऊपर एलसीएम कितना है 12, तो ये 5 + 2 = 7 7 × 3 7 × 3 और 4 × 4, और नीचे तो 12 लिखा ही है, ये कितना है, √3 + 1/2, 21 में से 16 गए 5 बचेगा, ठीक है ना, 5 21 - 16 = 5, 5/12, ये कितना है, √3 + 1/2, तो ये 2 ऊपर जाएगा, 5 × 2 = 12, इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा √3 + 1, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, डरना नहीं इससे, तो देखो 2 से 12 कैंसिल हो रहा है 6 टाइम्स कर दिया, तो 5/6 √3 + 1, अब ये नीचे रेशनलाइज कर दो डिनोमीटर को, तो √3 - 1 की मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया उसको, तो √3 - 1, तो 5/6 √3 - 1, नीचे कितना है, 3 - 1
थ्री माइनस वन कितना होता है, टू रूट थ्री माइनस वन, ये बेटा इंटू है ना, 6.2 नहीं है ये इंटू है, 5/12 रूट थ्री माइनस वन, ये आंसर है आपका। ठीक है, तो कुछ नहीं किया, देखो कैलकुलेशन ज़्यादा इन्वॉल्व थी और कुछ नहीं, जैसे क्वेश्चन सिंपल था वैसे। ठीक है, कहीं गलती कर दी हो तो भाई चेक कर लेना, वैसे मुझे लगता है मैंने कहीं गलती की। ओके, तो कहीं गलती कर दी हो तो बता देना भाई, क्योंकि मिस्टेक सबसे हो सकती है, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, राइट। तो देख लेना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख देना अगर कोई गलती है ना, आई विल रेक्टिफाई इट, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन में गलती होने के चांसेस रहते हैं। ओके, चलो भाई आज के लेक्चर में फिर इतना ही, और क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर मैं स्टॉप करता हूँ। क्वेश्चन पता नहीं कौन सा नंबर है, देख लेना, 2 cos² 45 degree, 10² 60 degree, -6 sin² 45 degree, प्लस, सॉरी ये माइनस करो इसको, -10² 30 degree इज इक्वल टू 6, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये प्रूफ करना है, प्रूफ डेट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना, एलएचएस मैंने इसकी नोट करी, 2 cos² 45 degree, 10² 60 degree, -6 sin² 45 degree, माइनस प्लस के लिख रहा बार बार, 10² 30 degree, राइट। ओके, तो जी 2 cos 45 के लिए कितने, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 10 30 के, 10 60 के लिए √3 का स्क्वायर 3, ब्रैकेट बंद, 6, साइन 45 के लिए 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 10 30 की वैल्यू 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर 1/3, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2/2, 2 × 3, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 6/2, ये माइनस के बाद प्लस हो गया, 6/3, तो 1 + 6 − 3 = 2, ठीक है, 1 + 6, ये माइनस वन आया और प्लस में माइनस वन कट गया तो 6 आ गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया ना, देखो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में भाई इतना ही, अपना फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं आप लोगों से।